हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, सर्वोच्च अदालत के सारे न्यायाधीशों को लिखा था, देश की सारी लॉ यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा था। 2020 में थोड़ी बेस बनने के बाद सारे सांसदों को लिखा, सारे मुख्यमंत्रियों को लिखा, सारे राज्यपालों को लिखा, संघ शासित प्रदेश के प्रशासकों को लिखा और ढेर सारे कंसल्टेशन के बाद ये प्रक्रिया आज कानून बनने में सफल हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका मुझे बहुत बड़ा संतोष है कि बेज बरुआ समिति, विश्वनाथन समिति, मलिमत समिति, माधव मेनन समिति और गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति 2011, 2005, 2006 इसकी रिपोर्ट 111वीं, 110वीं, 146वीं ये सारी रिपोर्टों का बृहद संकलन कर सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, सभी विधायकों, सभी सांसद और सभी न्यायाधीशों से, हाईकोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और लॉ यूनिवर्सिटी से आए हुए सारे प्रस्तावों को, सारे सुझावों को कंसीडर कर लाइन बाय लाइन इसको पढ़कर ये विधेयक लेकर मैं आज सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेश, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 16 हाईकोर्ट, 5 न्यायिक एकेडमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद और लगभग 270 विधायकों ने इसमें सुझाव दिए हैं। जनता के भी बहुत सारे सुझाव आए हैं जिसको कंसिडर कराया गया। माननीय अध्यक्ष जी, 4 साल तक इस पर गहन विचार विमर्श हुआ है। मैं जिसमें उपस्थित हूँ ऐसी 158 बैठकें हमने रिकॉर्ड पर करी है। माननीय अध्यक्ष जी, बाय लाइन इसको हमने पढ़ा है। मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो CRPC को रिप्लेस करेगी।